हमीरपुर में पिज्जा बर्गर का स्वाद लेने के लिए अब लोगों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमीरपुर गांधी चौक के पास मिस्टर गुलेरिया कैफे का शुभारंभ किया गया है। मिस्टर गुलेरिया कैफे का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर कैफे के मालिक द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी, बीना कपिल, पार्षद अश्विनी कुमार, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिस्टर गुलेरिया कैफे के मालिक ने बताया कि आज साइन कॉम्प्लेक्स में कैफे का उद्घाटन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कैफे का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि कैफे में दिल्ली व चंडीगढ़ से स्टाफ रखा गया है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड की 20 तरह की आइटमें उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ते दामों पर फास्ट फूड यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। गुलेरिया कैफे, हमारे माननीय धूमल जी ने इसका शुभारंभ किया है। हमारे यहाँ काफी प्रकार की आइटम रखी, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, इस प्रकार की 20 आइटम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, हर प्रकार की आइटम रखी। बाजार से सस्ती और बढ़िया देंगे हम, इसकी हमारी खास क्वालिटी पे खास हमारा ध्यान रहेगा। क्या विशेषता? विशेषता ये रहेगी कि ये प्रोडक्ट इसका मेल कोई नहीं होगा आप बाजार के अंदर, कि हमारा बिल्कुल टॉप मोस्ट होगा, हर चीज हमारी एकदम ए क्लास। और डिशेज? और डिशेज और हाँ वो भी होगी। इसके बारे में अभी डिसाइड कर रहे हैं, अब तो आप ओपनिंग करिए तो उसके कुछ टाइम और मेन्यू हमारा 4 तारीख को नए सिरे से मेन्यू बढ़ेगा हमारा, तो उसमें हमारी काफी सारी डिशेज होंगी जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसको हम अवेलेबल कराएंगे। और हर प्रकार की नई आइटम होगी हमारी, बढ़िया आइटम होगी जिसमें के टेस्ट होगा। यहाँ हमीरपुर के लिए हम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के लिए हम अपने लोकल यहाँ के जो उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ से सैफ आए हुए हैं, और हमारे पास बड़ा सैफ भी आएगा 4 तारीख को, जो कि इंडिया लेवल का सैफ होगा। वो हमारे बच्चों को जो है हमारे ट्रेनर उनको और ट्रेनिंग देंगे। कोशिश है हमारी लोकल लेंगे, और आने वाले साल 1.5 साल में मेरा हर नजदीकी शहर जो हर जगह मेरा एक गुलेरिया कैफे खोलने का विचार है। कितने बच्चों को ट्रेनिंग? पास ज्यादा से ज्यादा आए, मैं तो कहूंगा कि बच्चे आए मेरे पास, मैं पैसे भी दूंगा साथ में, और उनको ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि वो अपना कारोबार भी करें, अपना चाहे सैलरी भी करें, चाहे अपना बिजनेस करें। किस किस चीज की?